वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेंशन की जाती है। कभी कभी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में आपको योग सैक दिखाई देता है लेकिन फीटल पोल दिखाई नहीं देती, और फिर मन में सवाल आते हैं काफ़ी सारे कि ये जो योग सैक है ये क्या होता है और फीटल पोल क्या होता है। योग सैक और फीटल पोल के बीच में कनेक्शन क्या है और फीटल पोल कब दिखाई देगा और बच्चे के दिल की धड़कन कब दिखाई देगी, ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि पेशेंट्स पूछते हैं मुझसे। सो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी की अवस्था होती है और जब कोई फीमेल अपना अल्ट्रासाउंड करवाती है तो अल्ट्रासाउंड करवाने पर यूट्रस के अंदर हमें प्रेगनेंसी की तीन झलकें शुरुआती स्टेज में दिखाई देती हैं, जेस्टेशनल सैक, योग सैक, फिटल पोल एंड देन फाइनली हमें बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। सो मान लीजिए कि किसी भी महिला का मासिक चक्कर अगर 28 दिनों का है, सो उन्होंने 28 दिन तक अपनी महावारी के आने का मतलब पीरियड से आने का वेट किया जो कि नहीं आए, और फिर उन्होंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया। इस जांच पर उनको पता लगा कि उनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो मान लीजिए कि अगर वो अपनी प्रेगनेंसी के लगभग 32वें 33वें दिन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो इस कंडीशन पर उन्हें अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है जिसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं। ये जेस्टेशनल सैक अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेजेस में यूट्रस के अंदर दिखाई देने वाली प्रेगनेंसी की पहली झिल्ली होती है। अगर सरल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो ये एक थैली जैसी संरचना होती है जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप का फ्लूड भरा होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। जेस्टेशनल सैक एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा सैक है, एक ऐसी थैली है जिसके अंदर प्रेगनेंसी की सारी क्रियाएँ, सारी प्रोसेस होंगी, बेबी बनेगा एंड देन फाइनली 9 मंथ के बाद जो डिलीवरी होगी उसमें आपको बच्चा मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी की पहली झलक हमें दिखाई देती है जेस्टेशनल सैक, उसके लगभग 7 से 10 दिन के बाद एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हमें योग सैक दिखाई देता है। ये योग सैक क्या होता है? ये योग सैक जेस्टेशनल सैक के अंदर ही दिखाई देता है। एक गोलाकार हमें आकृति दिखाई देती है और ये भी एक थैली जैसी संरचना होती है। इसका काम जेस्टेशनल सैक में बच्चे को हर प्रकार की न्यूट्रिटिव डाइट देना होता है जिससे बच्चा अपने आप को ग्रो करता है। फिर ये योग सैक जब हमें दिखाई देता है तो इस योग सैक के दिखाई देने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में ही हमें फीटल पोल दिखाई देता है। इस योग सैक की सीमा पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतलब अल्ट्रासाउंड में जब रेडियोलॉजिस्ट ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक कर्व टाइप की आकृति दिखाई देती है। एक छोर पर बच्चे का हेड दिखाई देता है और दूसरे छोर पर बच्चे की पोल या टेल दिखाई देती है, इसे ही फीटल पोल कहते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड मशीन काफ़ी अच्छी है, एक्सपीरियंस होता है रेडियोलॉजिस्ट को, तो उनको शुरुआती स्टेज जब फीटल पोल दिखाई देता है तो बच्चे की दिल की धड़कन भी दिखाई देती है, और अगर नहीं दिखाई देती तो कुछ समय के बाद बच्चे की दिल की धड़कन जब फीटल पोल का साइज़ 3 से 7 mm तक हो जाता है तो बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। सो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है, योग सैक भी दिखाई देता है लेकिन बच्चे की दिल की धड़कन या फीटल पोल नहीं दिखाई देता। तो उसके क्या कारण होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आपको पीरियड्स की लास्ट डेट का पता नहीं होगा और अगर आप डॉक्टर को बताओगे तो थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि
छठे या सातवें सप्ताह तक बच्चे की दिल की धड़कन आ जानी चाहिए। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो प्रोसेस बताया है, अगर आपने उनको ध्यान से सुना होगा तो आपको पता लगेगा कि बच्चे की दिल की धड़कन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में 6 सप्ताह 5 दिन के अराउंड दिखाई देती है। लेकिन पहला कारण तो यही है कि अगर आपको पीरियड्स की लास्ट डेट अच्छे से कंफर्म नहीं है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे की दिल की धड़कन को लेकर, फिटल पोल दिखने को लेकर। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी अंडेदानी से अंडा रिलीज़ हुआ हो, इम्प्लांटेशन लेट हुआ हो और फिर जेस्टेशनल सैक लेट बना हो, योक सैक लेट बना हो, तो फिर फाइनली हमें जो फिटल पोल है वो भी लेट दिखाई देगा। इस कंडीशन को डिलेड कंसेप्शन कहते हैं। या फिर जो नंबर 3 है, जो फर्टिलाइज एग बना उसमें अगर माता और पिता के गुणसूत्रों में कोई ख़राबी आती है, या जो सेल डिवीज़न होता है, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जो सेल डिवीज़न हुआ, सेल मल्टीप्लाई हुए, अगर उसमें कोई मैकेनिकल फेलियर आता है तो फिर ये प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं करती, नेचर प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देती है, जिसे मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। कई बारी जेस्टेशनल सैक ग्रो होता है, योक सैक भी उसमें दिखता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद योक सैक डीजनरेट हो जाता है, उसी जेस्टेशनल सैक की कैविटी में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इस कंडीशन को एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी या ब्लाइटेड ओवम या फिर एम्प्टी जेस्टेशनल सैक कहते हैं। या फिर योक सैक दिखाई देता है और कुछ टाइम के बाद योक सैक का जो साइज़ है या तो वो स्मॉल हो जाएगा या बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, या फिर इरेगुलर योक सैक की शेप हमें दिखाई देती है। तो ये कुछ साइन होते हैं बॉडी के, जिससे बॉडी हमें बताती है अल्ट्रासाउंड में कि प्रेगनेंसी जो है वो सही से ग्रो नहीं हो रही और जो प्रेगनेंसी है फेलियर की साइड या मिस्ड अबॉर्शन की साइड में जा रही है। लेकिन इन बातों पर और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको डायग्नोस करना कि ये प्रेगनेंसी फेलियर है या मिस्ड अबॉर्शन है या ब्लाइटेड ओवम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, जो भी है उसको डायग्नोस करना सही नहीं होगा। उसके लिए आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। हो सकता है कि आपको कुछ अलग से टेस्ट करवाने पड़ें, हो सकता है कि आपको वजाइना के रास्ते से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ सकता है। तो जब दोबारा रीस्कैन होता है आपका अल्ट्रासाउंड का, तो उसमें रूल आउट होता है कि आपकी प्रेगनेंसी का फाइनल स्टेटस क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट होगी। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।